माता का एक ऐसा मंदिर जहां पर चोरों की भी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, इसका सबूत है यहां पर लटकी हथकड़ियां। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जोगिणिया माता की, जहां पर एक जमाने में जिंदा पशुओं की बलि दी जाती थी। माता का यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जोगिणिया माता की कहानी बताते हैं जो हजारों वर्ष पुरानी है। जोगिणिया माता का यह मंदिर चित्तौड़गढ़ से 90 किलोमीटर की दूरी पर कोटा हाईवे पर स्थित है। जोगिणिया माता के नजदीक ही मैनाल महादेव का मंदिर भी स्थित है, जिसके बीच में तकरीबन दूरी 10 किलोमीटर की है। जोगिणिया माता का मंदिर कई हजार साल पुराना है। ऐसा बताया जाता है कि 1200 साल के इतिहास में यहाँ पर 3 बार मंदिरों का निर्माण किया जा चुका है। अभी 3री बार मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें सफेद संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। जोगिणिया माता काफी चमत्कारिक है और पूर्व में जोगिणिया माता को अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रचलित है। ऐसा बताया जाता है कि जब देवहाड़ा नामक एक राजा थे जो यहाँ पर शासन किया करते थे, उन्होंने माता अन्नपूर्णा को अपनी पुत्री के विवाह में शामिल होने का न्योता दिया था। तब अन्नपूर्णा माता जोगन का वेश धर के उनकी शादी में गई थी, तभी से माता को जोगिणिया माता कहा जाने लगा। अभी वर्तमान में मंदिर के गर्भगृह में माता काली का, माता सरस्वती और माता अन्नपूर्णा की मूर्तियां विराजमान है। माता अन्नपूर्णा को भी वर्तमान में जोगिणिया माता के नाम से जाना जाता है, जो लोगों की मुरादें पूरी करती हैं। मंदिर परिसर में आपको काफी मात्रा में मुर्गे दिखाई देते हैं, जो लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो लोग मन्नतें पूरी होने के बाद माता जी को मुर्गा अर्पण करते हैं। एक जमाने में माता जी के इस प्रांगण में जिंदा पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि 1975 में एक कानून बना, जिसके बाद यहाँ पर होने वाली पशु बलि को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। माता का यह मंदिर एक काफी घने जंगल में स्थित है। मंदिर के आसपास दूर दूर तक आपको जंगल दिखाई देगा और बड़े बड़े पर्वत के बीच में झरने में स्थित माता जी का यह मंदिर काफी खूबसूरत प्रतीत होता है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के आसपास के परिसर में हाड़ा वंश के राजाओं का राज हुआ करता था। हाड़ा वंश के राजाओं की राजधानी बंबावदागढ़ मंदिर के निकट ही 1 किलोमीटर की दूरी में जंगल के बीचों बीच स्थित है, जहाँ पर आज उस गढ़ के अवशेष दिखाई देते हैं। माता रानी सभी की मुरादें पूरी करती हैं। अगर आप कभी जोगिणिया माता गए हैं तो आपके अनुभव हमसे जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।